क्या करेगा, दिखा दे क्या? अभी नहीं दिखाना है यार, आतंक मचा व्हाट्सअप गाइज, दिस इज बिगिनर, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग क्या है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आ रखे हैं। एक अपनी स्पेशल डिलीवरी होने वाली है, एक और नई चीज़ आ रही है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ऑफिस, जैसे ही हम लोगों ने ख़त्म किया था उसके बाद में सीधे हम लोग भाग भाग के इधर आ गए। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ रखे हैं यामाहा ब्लू शोरूम में। तो आप लोग गेस करोगे क्या है, अभी तो वैसे थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे एंड एक अपना स्पेशल डिलीवरी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता था ब्लू भाई के ऑलरेडी चैनल पे उन्होंने डाला था कि यामाहा एरोक्स का हम लोग डिलीवरी लेने वाले हैं। तो गाइस फाइनली अभी सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे अपना यामा एरोक्स का डिलीवरी के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों का अच्छा सा मतलब स्वागत हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे अभी बाइक डिलीवरी लेते हैं एंड उसके बाद में आप लोगों को अनबॉक्सिंग मतलब बेसिकली करके दिखाते हैं कि स्कूटी ओवरऑल कैसा है एंड मज़ा आ जाएगा। आतंक मचा देंगे, आतंक मचा देंगे। हिंदी गड़बड़ जाता है मेरा। क्या करेगा, दिखा दे क्या? ओए होए होए, अभी अभी नहीं दिखाना है यार, अभी थोड़ा सा रुक के दिखाएंगे। मतलब आप लोग देख रहे होंगे पहली बार जो है ना अपने लाइफ में कोई स्कूटर ले रहा हूँ जिसके लिए इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार है भी वैसी चीज। ठीक है, पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको बोलना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो है ना ऐसे मत बैठना जैसे स्कूटर में बैठते हो, ठीक है? तो बाइक जैसा बैठना है, तो फुल बाइक वाली फीलिंग। अब थोड़ा सा टॉल है स्कूटर, टिप टॉप। पहली बार कोई स्कूटर पे भी टिप टॉप हुआ, तो बात यह कि थोड़ी सी टॉल है लेकिन मस्त है, सीट अच्छा लग रहा है, हैंडल बार की पोस्चर भी अच्छा लग रहा है। अब शुरू करेंगे और नीचे निकालेंगे, ठीक है? जो अपना एरोक्स 155 का जो डिलीवरी है वो हो चुका है और आप लोगों को आई होप शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग ये है कि ब्लू भाई हम लोग के साथ में नॉर्थ राइड पे जा रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा लाइट में आया था, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग बाइक शिप कर रहे हैं गुवाहाटी के लिए एंड उसके बाद में देन हम लोग यहाँ से 25th को स्टार्ट कर रहे हैं, इवनिंग में हम लोग की फ्लाइट है, देन गुवाहाटी से हम लोग राइड शुरू करने वाले हैं। तो ओवरऑल मज़ा आएगा, फ़न होगा, मस्ती वाला राइड रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया एक्सपीरियंस के लिए एरोक्स जो है यामाहा का वो लॉन्च हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे राइड किया जाए। काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब हर जगह सुपर बाइक की ज़रूरत नहीं होती है या फिर एडवेंचर टूरर की नहीं ज़रूरत होती है, तो किसी पर भी राइड हो सकती है। ओनली थिंग इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई इट। और डॉक्यूमेंट गाड़ी भी तेरे, ठीक है? फिर कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया यार, अच्छा लग रहा, फीलिंग अच्छा हो रहा है। बट पिकअप अच्छा है इसका, पिकअप अच्छा है। अब हाईवे पे बस चला के देखना है। तो मैं एक प्लान किया हूँ, कल जो इसको 30-40 के स्पीड पे तमिलनाडु हाईवे में 500 किलोमीटर करके बोला कितना घंटा लगेगा 500 किलोमीटर, दिखाओ उसको, उसका शक्ल दिखाओ। 3-4 दिन में हो जाएगा वो, 3-4 दिन में हो जाएगा। हाँ इधर दिखाओ,
तीन पुलक बोल रहे हैं 3-4 दिन में आराम से हो जाएगा 30 के स्पीड पे अगर जाएंगे तो। अभी प्लान ये है कि पुलक अपना G9 लेके आएगा मेरे साथ उसको भी सेम स्पीड पे चलाएगा सेम स्पीड पे चलाएगा। अच्छा पता है ये अभी ऑटो ऑफ हुआ है तो इसको खाली ये देखो थ्रॉटल करने से स्टार्ट। यहाँ से हम लोगों को जो अपना एरोक्स 155 है उसका डिलीवरी तो हो चुका है और काफ़ी टाइम हो गया अभी, एक्चुअली 8 o'clock हो गया है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर वापस। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में जो बाइक का रिव्यू है वो भी मिलता रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।